का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत। माय नेम इज मनमीत सिंह और आज है संडे, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और आज हम जा रहे हैं गुड़गांव टूवर्ड्स राइडर्स पैराडाइज एंड आई ऑलमोस्ट गियर अप विद माय जैकेट, माय ग्लव्स, माय हेलमेट एंड आई वेयर माय शूज आल्सो। सो चलिए चलते हैं, निकालते हैं बाइक को बाहर, करते हैं वार्म अप और चलते हैं। ओके गाइस, तो कर रहे हैं वार्म अप अपनी बाइक को, न्यूट्रल लगाना पड़ेगा। ओके सो इज माय बाइक, थोड़ी गंदी हो रही है मुझे पता है, बारिश के मौसम है इसलिए, बट संडे राइड इज मस्ट। एक बार बाइक वार्म अप हो जाए फिर चलते हैं। मुझे अभी एक बार एंगल भी बनाना पड़ेगा इस पे अपने मोबाइल का। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं गोप्रो पे नहीं, अभी अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी हम गोप्रो भी देंगे। ओके आप ही में एक बार नॉर्मल हो जाए फिर चलते हैं। डॉगीज डॉगीज, नो 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 नो। एक बार ये बारिश रुक जाए फिर राइड करने में ज्यादा मजा आया करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया सुबह के 7:41 और हम पहुंच चुके हैं राइडर स्पाइडर आइस। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट, हमने ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे सारे फ्रेंड्स हमारे ये बैठे हैं, भाई का फर्स्ट ब्लॉग है और हम लोग पूरा साथ में हैं भाई, एकदम मस्त अपना पूरा सेटअप वेटअप के साथ आए हुए हैं और जुगाड़ लगा लगा के पूरा वीडियो यहाँ पर शूट किया जा रहा है। तो भाई का वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा सा वीडियो मिलेगा, क्योंकि भाई के साथ बहुत अच्छे से लोग हैं हम लोग हैं और बहुत एक अच्छा ग्रुप में भाई जुड़ चुके हैं। वीडियो अपनी राइड की वीडियो थी वो ख़राब हो चुकी है, उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार आई, माइक हमारा नहीं चला उस समय, तो होप नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो माइक चालू होगा तो हम करते हैं। ओके गाइस, सो ब्रेकफास्ट करके हम आगे मिलते हैं राइड पे। ओके गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स छतरपुर शांतनु के घर। हम आ गए थे करोल बाग और मेरा डाटा सारा ख़राब हो चुका है, बहुत ही गर्मी है, ऊपर से राइडिंग गियर्स ग्लव्स मैंने उतार दिए हैं, अब नहीं पहने जा रहे थे मेरे से, नॉर्मल चलेंगे। सामने हनुमान जी, आ जाओ भाई कहाँ रह गए, बहुत जाम है बहुत ज़्यादा। एंड वन वी विल रीच देयर, और एक चीज़ तो मैं बता दूं आज, मैं अगर तुम लोग करोल बाग आते हो तो कृपया करके टाइम निकाल के आएं, अदरवाइज तुम बहुत फ्रस्ट्रेट होने वाले हो लाइक मी।
और अब तो मुझे रास्ता भी नहीं पता यहाँ से, तो शांतनु आगे निकल गया। इसकी बाइक ख़राब हो चुकी थी, ख़राब इन द सेंस इसकी बाइक का एग्जॉस्ट पाइप जो है वो ख़राब हो गया था, तो वो हमने वेल्डिंग करवाया है। पूरे रास्ते इसने शोर मचा रखा था, मेरे से भी ज़्यादा। मेरी बाइक में एग्जॉस्ट लग रहा है रेप्लिका, और रिपब्लिक रिएक्शंस। जाम ही जाम, गर्मी ही गर्मी, ऊपर से ये राइडिंग गियर्स ऐसी तैसी हुई पड़ी है कुल मिला के। शांतनु बेचारा पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस समय। पहले बाइक से, फिर गर्मी से, अब टाइम से। मेरी बाइक को क्या हो गया? व्हाट्स हैपन ब्रो? ओके गाइस, तो शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मेरा सेकेंडरी मीटर नहीं चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। मैंने ऑर्डर कर दिया है बजाज से, एंड वो कह रहे थे एक डेढ़ हफ्ते में आ जाएगा, तो जैसे ही वो आता है मैं उसको डलवा दूंगा और उसकी भी एक वीडियो बना देंगे सेपरेट। मे बी मेरी वॉइस अब क्लियर आ रही हो, बिकॉज राइडर्स पैराडाइज तक जाने तक तो मेरी आवाज़ की सारी सत्यानाश हो चुका था, कुछ भी उसमें नहीं आया है। तो अब शायद अगर अच्छी आ रही होगी तो आपको ब्लॉग में दिखी जाएगा। और ये मोस्टली हाई स्पीड्स पे हो रहा है, नॉर्मल मैं चला रहा हूँ तो नहीं चल रहा। मैं अगर 90-100 क्रॉस करता हूँ तो उसके बाद ही दिक्कत आ रही है। लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, रेड लाइट। मुझे तो लग रहा है मेरे को माइक एक और लेना पड़ेगा, मेरे 800 रुपये बर्बाद हो चुके हैं।